न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर पुलिस ने 2 महीने पहले हुए हत्याकांड को सुलझा लिया है। पुलिस को पुरानी छावनी के जंगल वाले कुएं में शव मिला था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त संतोष प्रजापति के रूप में की है, जो इन आरोपियों के साथ चोरियां करता था और चोरी की रकम पर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने संतोष को मौत के घाट उतार दिया था। एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया था, जब 11 नवंबर को एक अज्ञात डेड बॉडी मिली, जो कि ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर किया गया था। उस पर से धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चूंकि ब्लाइंड मर्डर था, उसमें पतारसी काफ़ी प्रयास किए गए टीआई पुरानी छावनी प्रीति भार्गव और इनकी टीम, पूरन और पांडे जी, बाकी सभी लोग थे, लगातार प्रयास करते रहे। उसके पास एक मेमोरी कार्ड मिला हुआ था, उसमें कुछ फोटोज थे। फोटो के आधार पर पता किया गया तो फोटो वाला व्यक्ति मिला, उसने बताया कि ये हमारे यहाँ चोरी हुई थी। उस आधार पर टीआई पुरानी छावनी और इनकी टीम लगातार लगी रही और उसके बाद पता चला कि एक मीराबाई है, उनका लड़का 2 महीने से गायब है, जिसका कोई गुमनसान कायम नहीं कराया गया था। फिर लड़के के जो जूते चप्पल थे और अन्य कपड़े, अन्य सामग्री थी, उसके आधार पर पहचान कराई गई। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा लड़का संतोष प्रजापति है। फिर उसके बारे में पता किया कि संतोष प्रजापति कहाँ कैसे गायब हुआ, तो पता चला कि उसके 4 दोस्त थे, वो उसको लेके गए थे। फिर उन लोगों को पकड़ के पिंटू नदीम जावेद लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि हमने 7 नवंबर को बहोड़ापुर के किशनबाग से एक चोरी की थी, इसमें LED और मोबाइल वगैरह चोरी किए थे। उसके बंटवारे को लेके विवाद हुआ, जहां पे मांगूपुरा में फिर उसके पत्थर से कुचल के हत्या कर दी संतोष की और फिर भाग गए। वो किसी को बताया नहीं। फिर TI पुरानी छावनी प्रीति भार्गव और इनकी टीम के द्वारा लगातार अथक प्रयास के बावजूद उसकी बाकायदा इतना ब्लाइंड मर्डर था ओपन हुआ। 3 आरोपी हमने अरेस्ट कर लिए, 1 आरोपी भी फरार है, वो शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब आरोपियों से और पूछताछ की गई तो उन्होंने अभी बहोड़ापुर में एक लूट भी की थी, जिसका भी मोबाइल बरामद कर लिया गया है। इस तरह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको पुरस्कृत करने की घोषणा की जी। वो अभी सब पतारसी की जा रही है, पुराना रिकॉर्ड है, क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, इनसे अन्य मामले भी खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।